हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो एन के बारे में। स्कॉर्पियो एन में मैं जैसा कि नेट पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो कई कस्टमर्स ऐसे थे जिनका पॉइंट था कि बूट स्पेस काफ़ी कम है, बहुत ही कम दिया हुआ है, और साथ ही साथ थर्ड रो के अंदर सिटिंग स्पेस काफ़ी कम है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो भाई, ये है स्कॉर्पियो एन। अगर मैं गाड़ी के अंदर बूट स्पेस देखूँ तो बस ये है, राइट। पहली चीज यार, ये जो थर्ड रो है ना, ये देखिए आप, थर्ड रो का स्पेस बस एक बच्चों के लिए है। और इसका एक ना बहुत ही सही रीज़न है। रीज़न ये है कि ये गाड़ी है एसयूवी, तो एसयूवी सेगमेंट की जो कार होती है ना, एक प्योर एसयूवी, आप देख सकते हो इसमें फोर एक्सप्लोर मोड भी आता है, 4x4 भी आता है। तो सबसे पहले ये जो थर्ड रो के अंदर स्पेस कम है ना, इसकी हम बात करते हैं। क्या है कि थर्ड रो कभी कभार के यूज़ के लिए है। अगर मान के चलो आप 7 जने एक एडल्ट फैमिली को कम्यूट करने का सोच रहे हो स्कॉर्पियो एन से, तो भाई वो चीज़ देखो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार का एक डिफरेंट करेक्टर है। ये गाड़ी एक एसयूवी कार है, और अगर आप 7 जनों को कम्फर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने का प्लान कर रहे हो, या आप चाहते हो ऐसी कार, तो एमपीवी सेगमेंट, जैसे आप बात करो किया करेंस की, आर्टिका की, मराज़ो की और इनोवा की, तो ये कार एक एमपीवी सेगमेंट होता है। तो दोनों गाड़ियों का पहले तो करेक्टर अलग है। दूसरी चीज, थर्ड रो के अंदर अगर मान के चलो एक एडल्ट जना बैठता है, एक अच्छे खासे एज का बंदा बैठता है, तो क्या है, गाड़ी का आप सस्पेंशन सेटअप देखो तो सीधा वो बंदा इस कार के सस्पेंशन के सेटअप पे बैठा है। इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत भाई ये है कि एसयूवी कार के जो सस्पेंशन होते हैं ना, वो होते हैं हार्ड। अभी ये गाड़ी अगर रफ रोड पे जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, गाड़ी ऐसे ऐसे रोल होगी। तो पॉइंट है कि हार्ड सस्पेंशन की वजह से जो भी थर्ड रो पे बंदा बैठा होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे। इसलिए एक एडल्ट के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, तो भाई जो बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते रहते हैं, अगर वो थर्ड रो पे बैठे हैं, ठीक, तो उनको इतना फ़र्क नहीं आएगा जितना एक एडल्ट बंदे को फ़र्क आएगा। तो भाई ये चीज़ है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और बात करते हैं स्पेस की। तो भाई स्कॉर्पियो है ना, पहली चीज़ एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसका एक रीज़न है, जितनी भी मार्केट में एसयूवीज़ हैं, कोई भी 7 सीटिंग ऑप्शंस में नहीं है। मतलब हालांकि आप पीछे बच्चा बिठा सकते हो, बट यस, स्टिल कभी कभार के लिए 7 सीट यूज़ कर सकते हो आप। दूसरी चीज़, अगर आपको 7 सीट यूज़ नहीं करनी, मोस्टली अगर मैं देखूँ, आप खुद भी देखिए, गाड़ी अगर चला रहे हो तो 90% टाइम आप व्हीकल में अकेले बैठे होते हो, या मैक्स टू मैक्स 3 जने के साथ में आप ट्रैवल कर रहे हो। तो पहला मेरे पे पॉइंट है, अगर इनके साथ ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो भाई आप इस सीट को फोल्ड कीजिए। ये यहाँ पे हुक है, ये देखिए भाई, ये मैंने फ़ोल्ड किया, ये मेरे पास में एक अच्छा एम्पल स्पेस आ रहा है, यहाँ पे मैं सामान रख सकता हूँ। बट ये भी अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा अभी भी, तो सेकंड सॉल्यूशन है ये हुक। इस हुक को खींचते हैं और ये देखिए भाई, ये है अच्छा खासा एक बूट। अब आप बताओ, इतना अच्छा एम्पल अमाउंट का बूट स्पेस, और ट्रैवलिंग के लिए अगर आप जा रहे हो, तो फैमिली में 3 मेंबर 4 मेंबर अगर हैं, तो वो देखिए यहाँ पे आगे बैठ सकते हैं। इसी के साथ आप ये चीज़ ऐसे पूरा टंबल करके इस थर्ड रो को ये एक अच्छा एम्पल अमाउंट का बूट बना सकते हैं। तो ये था एक स्कॉर्पियो एन पे इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट दी 2 क्वेश्चंस की गाड़ी के अंदर थर्ड रो में एडल्ट नहीं बैठ सकते प्रॉपर, और बूट स्पेस कम है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। ये व्हीकल है शिवा महिंद्रा दिशाद गार्डन के अंदर, तो आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगा। थैंक यू सो मच।